Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Today I'm going to do something completely different. That is, I'm going to start a revision series in which I will be posting two topics daily, maybe two chapters or maybe one chapter and a poem. The best part about this video series is going to be that they are going to be classroom transactions where actual involvement of the students can be heard. Maybe some parts of it will not be audible as the children do not have a microphone, but their queries are going to be repeated by me so you can understand them very well. We are now going to do the chapter Going Places. It is written by A.R. Barton. Before I discuss Barton, B-A-R-T-O-N, पहले ये चैप्टर के कैरेक्टर्स डिस्कस करें, पहले इसकी थीम समझ लें. What is the theme of going places? बेटा ये adolescent fantasizing है, ये adolescent hero worship है. Adolescent कौन होता है? Who is? जो teenage में होता है उसको adolescent बोलते हैं. Adolescent का मतलब होता है जिसके अंदर अभी भी hormonal changes हो रहे हैं. Hormonal changes जो होते हैं वो आपकी थॉट प्रोसेस को बहुत अफेक्ट करते हैं. जो ये आप लोगों का इनसिंसियरिटी जो है, जो आपका फिजिटिंग नेचर है, जो आपका मस्ती करने का स्वभाव है, ये इसलिए होता है बिकॉज यू आर अनएबल, आशीष, यू आर अनएबल टू डील विद दिस हार्मोनल चेंजेस दैट आर गोइंग ऑन इन योर बॉडी. ये हार्मोनल चेंजेस के कारण अक्सर जो टीनेज गर्ल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा फैंटेसाइजिंग में चले जाते हैं, ये बहुत आसानी से हीरो वर्शिपिंग में चले जाते हैं. फैंटेसाइजिंग और हीरो वर्शिपिंग क्या होता है? यस, हीरो वर्शिप होता है कि हम बहुत जल्दी अपना दिल हार जाते हैं, बहुत जल्दी हम किसी से इम्प्रेस हो जाते हैं, राइट. एंड फैंटेसाइजिंग होता है हम एक नॉर्मल सिचुएशन को ऐसे रंग दे देते हैं जो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी से बियॉन्ड होता है. हम अपनी सच्चाई नहीं देखते, हम एक वर्ल्ड में जी रहे होते हैं जो वर्ल्ड एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, राइट. अगर आपने कई साल पहले एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इसमें ये कैरेक्टर था मुंगेरी लाल, ये बैठे बैठे सपनों की दुनिया में चला जाता था और इस कदर चला जाता था कि वो बैठे बैठे गिर जाता था इमेजिनिंग that this thing was happening. आप अपने सपनों की दुनिया देखो. जब आप रात को कई बार ही सो रहे होते हो, sometimes, मतलब जैसे मुझे तो होता है, sometimes I have a dream कि I am falling down the stairs और एकदम बंदा हड़बड़ाहट के उठता है, right? ये तो आप जब आपका दिमाग सोया हुआ है तब आपने सपना देखा, but यही सपना जब आप जागती आंखों से देखते हो तो इसको फैंटेसाइजिंग बोला जाता है. बंदा इस कदर अपने डे ड्रीम्स में खो जाता है कि उसको सच और झूठ में फर्क नहीं रहता, राइट. सेकेंड पॉइंट आपने याद रखना है, जब एक सच को आप कई बार एक झूठ को जब आप कई बार बोलते हो, व्हाट हैपेंस, आप अल्टीमेटली उस झूठ में बिलीव करना शुरू कर देते हो. अब ये बातें मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमें सोफी के एक्शंस को अंडरस्टैंड करना है कि उसने ये सारे काम क्यों किए. जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे, ये बैकग्राउंड नॉलेज हमें नहीं होगी, तब तक सोफी के एक्शंस को समझना मुश्किल होगा. नाउ हु इज सोफी? शी इज़ अ 15 ईयर ओल्ड गर्ल, राइट. शी इज़ इन अ लास्ट ईयर एट स्कूल. अब एग्ज़ाम्स के बाद उसको स्कूल छोड़ना है. She belongs to a low middle class family. Low middle class family का मतलब होता है मतलब पावर्टी तो है बट फिर भी एक उनका एक मतलब ना मतलब हाँ एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब गुजारा हो रहा है, गुजारा हो रहा है, यस, भूखे नहीं मर रहे हैं, गुजारा हो रहा है, बट कोई बहुत आलीशान लाइफ स्टाइल नहीं है उसका, राइट. सोफी जो है वो ख्वाबों की दुनिया में रहती है, इसीलिए उसके साथ हम एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग, एडोलेसेंट हीरो वर्शिप सोफी के साथ कहते हैं. तरुण एंड सरगुन, सरगम, पिटाई होगी तुम्हारी.
सोफी की फ्रेंड है जानसी। बेटा ये बातें समझ लो, बिकॉज ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, हाउ आर सोफी एंड जानसी डिफरेंट। सोफी अगर फैंटेसाइजिंग में बिलीव करती है, एडोलेसेंट हीरो वर्शिपिंग में बिलीव करती है, तो जानसी बिल्कुल उसका कॉन्ट्रास्ट है। शी इज़ अ फॉइल टू सोफी। जानसी उतनी ही प्रैक्टिकल है जितना सोफी इम्प्रैक्टिकल है, राइट? जानसी और सोफी, द स्टोरी स्टार्ट्स विद बोथ ऑफ देम रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। वो स्कूल से वापस आ रहे हैं और वो स्कूल ख़त्म होने के बाद वो किस प्रोफेशन में जाएंगे वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जानसी कहती है कि हमारा फ्यूचर तो बिस्किट फैक्ट्री है। बिस्किट फैक्ट्री क्या मतलब, उसका सिंबलाइजेशन क्या है, वो क्या सिंबलाइज कर रहा है बिस्किट फैक्ट्री? जो एक बिस्किट फैक्ट्री में वर्कर काम करता है उसका काम कैसा होता है? दिमाग का काम है कि फिजिकल वर्क है? फिजिकल कोई स्किल उसमें चाहिए? उसमें कोई स्किल नहीं चाहिए। बिस्किट फैक्ट्री में काम करने का मतलब होता है मशीन्स लगी हुई हैं, मशीन्स में आप सामान डालते हो, सामान डालने का या जो पैक्ड सामान आ रहा है वो सही तरीके से सॉर्ट हो रहा है, बस ओवरऑल आपने देखना होता है, राइट? उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको अपना दिमाग उसके अंदर डालना पड़ेगा। बट अगर साइंटिस्ट का काम है तो वो कैसा काम है? दिमाग का काम है। अगर हमें खुद अपना बुटीक खोलना है तो उसके लिए भी स्किल चाहिए। बुटीक खोलने के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए? आपको मटेरियल की नॉलेज होनी चाहिए कि किसका मटेरियल किस रेट में मिलता है, कौन सा मटेरियल किस फिजिक को सूट करेगा, कौन सा मटेरियल ड्यूरेबल है, कौन सा मटेरियल महंगा है, कौन सा मटेरियल सस्ता है, ये मटेरियल कहाँ से मिलेगा। तो एक एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, येस और नो? अगर आपको फैशन डिज़ाइनर या एक्ट्रेस बनना है तो आपको एक्टिंग स्किल्स आनी चाहिए, येस? ये ऐसा काम तो नहीं है कि कोई भी जाके कर ले, उसके लिए एक सेट एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, येस और नो? अब सोफी और जानसी जहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको कोई स्किल सिखाया गया है कि बेसिक नॉलेज दी गई है? आप लोग अभी 12th में हो, आप लोगों के पास स्किल सेट है कि बेसिक नॉलेज है? अब स्किल्स के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, येस और नो? अगर इस टाइम पे 12th के बाद आपको जॉब करनी है तो आपकी जॉब कैसे होगी? प्रोफेशनल जॉब होगी कि ऐसे ही कोई क्लर्क वगैरह की जॉब होगी, कोई सेल्समैन की जॉब होगी, किसकी जॉब होगी? एक सिंपल जॉब होगी जिसमें दिमाग का या आपके सर्टिफिकेट्स का या आपकी एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं होगा, ज़्यादा लेना देना, राइट? मे बी इंग्लिश आपको बोलनी पड़े, कुछ ऐसा हो सकता है, बट कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। बिस्किट फैक्ट्री में काम करना डिनोट्स दैट अ जॉब विच डज नॉट रिक्वायर एक्सपर्टीज। आप स्कूल में बेसिक स्किल सीख के आए हो और बिस्किट फैक्ट्री में आपको बस वो बेसिक स्किल के साथ ही आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप किसी प्रोफेशनल एरिया में जाते हो तो आपको एक प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, जो सोफी और जानसी के लिए अचीव करना इम्पॉसिबल है। उनके घर की हालत ऐसे नहीं है कि वो कॉलेज में एडमिशन लें। जब हम फॉरेन कंट्रीज़ में कॉलेज एजुकेशन की बात करते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक नॉर्मल मैन कॉलेज एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ गई? जानसी प्रैक्टिकल है, उसको पता है कि उनका जो फ्यूचर है वो बिस्किट फैक्ट्री में है। बट सोफी एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। उस वो बिलीव करती है कि उसका ड्रीम वर्ल्ड उनका वो एरिया नहीं है। वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, वो बुटीक खोलना चाहती है, वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, राइट? अब जब कभी आप किसी के अंडर काम करते हो, हर्ष बेटा स्कूल बिस्किट फैक्ट्री में अभी दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा है, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल से लौटते हुए, राइट? उनकी डिस्कशन हो रही है कि जब स्कूल ख़त्म होएगा तब हम क्या काम करेंगे। तो जानसी बोलती है हमने क्या करना है, हमारा काम तो बिस्किट फैक्ट्री में है, हम तो वहीं पे जाएंगे। बट सोफी के सपने डिफरेंट हैं, राइट? सोफी एक ग्लैमरस
जिंदगी चाहती है वो एक बुटीक खोलना चाहती है. यू नो अ बुटीक इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया फॉर क्लोथ्स. तो जानसी उसको बोलती है तुम बुटीक कैसे खोलोगे, उसके लिए तो बहुत पैसे चाहिए. तो जानसी बोलती है पैसे कमाना कौन सा मुश्किल बात है, बुटीक नहीं खोल सकती हूँ तो मैं फिर एक किसी उसमें एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मैनेजर बन जाऊंगी. तो उसको जानसी बोलती है तेरे को मैनेजर की जॉब कौन देगा. तो वो बोलती है ठीक है फिर मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी. अब आप एक सेकंड के अंदर सोफी ने फ्रॉम अ बुटीक टू अ मैनेजर टू एन एक्ट्रेस जंप किया है. सो हाउ सिंसियर, व्हाट इज हैपनिंग, हाउ सिंसियर डू यू थिंक शी इज अबाउट हर प्रोफेशन. अगर आप सोफी और मुकेश को कंपेयर करो, हु इज मोस्ट सीरियस अबाउट देयर करियर. सोफी और मुकेश को कंपेयर करो, हु इज मोर सीरियस अबाउट देयर करियर. हाउ डू यू नो दिस. उसका ड्रीम बहुत छोटा ड्रीम था टू बी अ मोटर मैकेनिक, बट उसका ड्रीम चेंज नहीं हुआ विद द हार्डशिप्स ही वुड हैव टू फेस. है ना, मोटर मैकेनिक. यस, मोटर मैकेनिक बनना उसकी लाइफ में बहुत डिफिकल्ट था. उनका प्रोफेशन था बैंगल मेकिंग, बट वो बोलते कि नहीं मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा और चाहे इसके लिए मुझे मीलों तक चलना पड़े. बट सोफी को जैसे ही जानसी ने पॉइंट आउट किया कि बुटीक के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे, तो उसने कहा मैं मैनेजर बन जाऊंगी. सोफी ने कहा तेरे को मैनेजर के लिए कौन हायर करेगा, तो उसने कहा मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी. मतलब वो मेहनत करने को तैयार नहीं थी. सेम वे यू कैन आइडेंटिफाई विद एन एडोलेसेंट, विद एन एवरीडे एडोलेसेंट. वो ड्रीम्स तो बहुत है, आप सबके ड्रीम्स बहुत है, बट उन ड्रीम्स को सच करने के लिए कौन कौन काम कर रहा है. नॉट ओनली एन एक्ट्रेस बट सोफी ऑल्सो वॉन्ट्स टू बी अ फैशन डिजाइनर. उसका जो आइडियल है दैट इज मैरी क्वेंट. वो बोलती है मुझे मैरी क्वेंट की तरह बनना है. राइट, तो सोफी के सपने बहुत बड़े बड़े हैं, बट उसके सपनों में प्रॉब्लम क्या है कि वो सपनों को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क नहीं करना चाहती. वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना चाहती. सपने ज़रूर बड़े हैं बट उन सपनों का कोई फाउंडेशन नहीं है. राइट, अब ये बात करते करते वो सोफी के घर आते हैं. राइट, सो नाउ लेट्स टेक 2 मिनट्स एंड डिस्कस द डिफरेंट कैरेक्टर्स इन सोफीज हाउस. सोफी के घर में फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है. मदर है, फादर है एंड 2 ब्रदर्स. वन इज एल्डर ब्रदर जॉफ एंड द यंगर वन इज आई थिंक डेरी, बट आई एम नॉट, डेरिक. यस, इट्स डेरिक. अब यहाँ पे मदर के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बोला गया है. मदर इज वर्किंग इन द किचन. राइट, उनकी बैक जो है वो बेंट है, बट उन्होंने एक एप्रन पहना हुआ है और एप्रन की जो स्ट्रिंग है वो बड़े एलिगेंट बो में बांधी हुई है. ये जो कंट्रास्टिंग इमेज आपको दी गई है, बेंट बैक विद अ ब्यूटिफुली टाइड बो स्ट्रिंग, ये आपको सोफी के मदर के बारे में क्या बताता है. मतलब वो लेडी को अपने ड्रीम्स छोड़ने पड़े, और किसी टाइम पे उसके भी ड्रीम्स बड़े थे, जो उसके ड्रेसिंग सेंस में रिफ्लेक्ट होता है कि उसने जो एप्रन की बो बांधी हुई थी वो बहुत नीट, बहुत डिग्निफाइड तरीके में थी. यस, मदर का आपको कंट्रास्टिंग इमेज नज़र आ गया कि हमारे को अपने सपनों को त्याग करना पड़ता है. लाइफ हमारे को उनका त्याग हमें सिखा देती है, जो मदर के पोर्ट्रेट में हमें दिखाई देता है. डाइनिंग टेबल पे उसके पापा बैठे हुए हैं. पापा कैसे ड्रेस्ड हैं, एलिगेंटली ड्रेस्ड हैं. नो, ही इज़ नॉट. कैसे ड्रेस्ड हैं, उन्होंने बनियान पहनी हुई है, वेस्ट पहना हुआ है, पसीने से लथपथ है, ऊपर से उन्होंने अपने हाथ भी नहीं धोए हुए हैं, उनके हाथ ग्राइमी हैं. GRIMY, ग्राइमी का मतलब होता है गंदे. आप ग्राइमी हाथों से सफ़ेद दीवार पे हाथ लगाओगे तो निशान रह जाएंगे. दैट इज़, यस, काला काला निशान, दैट इज़ ग्राइमी.
राइट, मिट्टी और जो पल्यूशन होता है हवा में वो आपके फिंगर्स या आपके कपड़ों पे जब सेटल डाउन हो जाता है तब उसको हम ग्राइमी कहते हैं। उस टाइम पे सोप से धोना ज़रूरी है। सोफ़ी के फादर का खाने का तरीका बहुत हॉरिबल दिखाया गया है। ही इज़ गल्पिंग फूड, वो खाना खा नहीं रहे हैं, वो खाना ठूस रहे हैं, राइट। पसीने से लथपथ है, अच्छी शर्ट नहीं पहनी है, बनियान में बैठे हुए हैं और हाथ उनके जो है वो ग्राइमी है। जब सोफ़ी एंटर करती है, सोफ़ी जब अपने घर में एंटर करती है तो उसको अपना घर एक आलीशान घर नहीं दिखता है, राइट। वो जानसी को बाहर खड़े होके बोल रही होती है कि जब मैं मैनेजर बन जाऊंगी, जब मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊंगी तो मैं बहुत पैसे कमाऊंगी, राइट, और एक बुटीक बनाऊंगी। तो अंदर से पापा की आवाज़ आती है कि बुटीक बनाने से पहले तुम्हारे को एक अच्छा सा घर बनाना पड़ेगा, राइट। अच्छे घर में रहने की हर एक की इच्छा है बट उसके लिए रिसोर्सेस नहीं है। जब जानसी अपने घर में जाती है तो यहाँ पे अच्छे घर का कॉन्ट्रास्टिंग फॉइल हमें नज़र आता है। घर गंदा है, बिखरा हुआ है, एक जगह पे गंदे कपड़े सारे नीचे फेंके हुए हैं। वो अपने पापा को इतने गंदे तरीके से खाना खाते देखती है, पसीने से लथपथ। वो अपनी मम्मा को देखती है जो इसका काम कर करके पीठ झुकी हुई है और वो अंदर वाले कमरे में चली जाती है। उसका अंदर जाने वाला कमरा होता है एस्केप रूट। वो अपनी सच्चाई से जब वो ये सारी चीज़ें देखकर अंदर के कमरे में जाती है तो ये उसका एस्केप फ्रॉम रियलिटी है। जब हम सोफ़ी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा उसका कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सच्चाई से मुंह मोड़ती है। उसने कभी सच्चाई का सामना नहीं किया, उसने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उनका जो फ्यूचर है वो बिस्किट फैक्ट्री है। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि उसकी जो घर वाले हैं, जो उसकी फैमिली लाइफ है वो डिग्निफाइड नहीं है, वो एक ग्लैमरस लाइफ नहीं जी रही है। वो देखती है हर जगह गंद है और उससे डील करने की बजाय वो इमीडिएटली दूसरे कमरे में चली जाती है। दूसरे कमरे में उसका भाई जॉफ काम कर रहा है। ही इज़ एन अप्रेंटिस मैकेनिक। अप्रेंटिस मैकेनिक होता है जो अभी काम सीख रहा है, राइट। मैकेनिक होता है जो मशीन्स के साथ काम करता है, तो वो इस काम को सीख रहा है। ही इज़ वर्किंग एज एन अप्रेंटिस मैकेनिक। वो, हाँ जी बोलो कुछ। अप्रेंटिस, ए डबल पी आर ई एन टी आई सी ई, अप्रेंटिस मैकेनिक। अप्रेंटिस का मतलब होता है जो अभी नया काम सीख रहे हैं, ठीक है। अब जॉफ काम कर रहा है, वो सिटी के आउटस्कर्ट्स पे है, राइट। जॉफ की नेचर क्या है, वो बहुत साइलेंट है। जितनी सोफ़ी बड़बड़ करती है उतना ही जॉफ जो है वो साइलेंट है। जॉफ की साइलेंस को सोफ़ी ने एक अलग रूप दे दिया। उसको लगता है वो इसलिए साइलेंट है क्योंकि उसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। वो एक फैंटेसी लाइफ जी रहा है। वो जब सिटी के आउटस्कर्ट्स पे काम करने जाता है तो वो बहुत ग्लैमरस लोगों से मिलता है और वो इसीलिए चुप रहता है। और सोफ़ी जॉब से बहुत बातें करती है इस उम्मीद में कि जॉब उससे अपनी लाइफ के बारे में कोई सीक्रेट शेयर करे। बट जॉब इज़ अ क्वाइट मैन, राइट। वो सोफ़ी से ज़्यादा बात नहीं करता है। वो अपना नहीं, सोफ़ी का भाई है। जानसी कहाँ से उसके घर में आएगी, राइट। जानसी तो अपने घर चली गई, वो सोफ़ी का भाई है। अब ये अपने भाई की अटेंशन चाहती है, राइट। इसका सोफ़ी का सबसे बड़ा सपना है कि वो अपने भाई के पीछे मोटरसाइकिल पे बैठ के बाहर सड़कों पे निकले, भाई ने ब्लैक कलर की लेदर जैकेट पहनी हो और ख़ुद उसने एक येलो कलर का केप लगाया हुआ हो और जब वो हवा में जाए तो उसका जो केप है वो हवा में उड़े। तो ये प्रैक्टिकल है कि फैंटेसी है। केप, केप इज रोब, जो आपके पीछे जो फैंटेसी, वो एक चादर, चादर तो नहीं, इट्स अ केप। वो जो सुपरमैन, हाँ हाँ हाँ,
सुपरमैन का जो रेड कलर के पीछे कंधों पे होता है, दैट्स अ केप. तो वैसे जानसी इमेजिन करती है कि उसने येलो केप पहना होगा और वो मोटरसाइकिल पे जाएगी तो वो केप हवा में उड़ेगा. तो ये जो उसका ड्रीम है, इट्स अ वेरी बस वीडियो बना रही है. शी इज नॉट अ फूल. ओ फोन चेक कर लो उधर भावे. सोफी एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रही है, ये उसका फैंटेसी विद अ ब्रदर है. ये उसका फैंटेसी है रिलेटेड टू जॉफ. यस बाइक पर घूमना. बट जॉफ उसको घास नहीं डालता है. और जॉफ का अटेंशन वो हर कीमत पे चाहती है. इस कारण से वो अपना पहला झूठ, मतलब सॉरी सोफी इज एन इनवेटरेट लायर. इनवेटरेट लायर मतलब वो बहुत झूठ बोलने की आती है, और झूठ दूसरों से नहीं, वो झूठ खुद से भी बोलती है. राइट उसको अपने भाई का अटेंशन चाहिए. अटेंशन के लिए उसके लिए सही और गलत के कोई मायने नहीं है, सच और झूठ के कोई मायने नहीं है. और वो अपने भाई से बोलती है कि मैं आज डैनी केसी से मिली. नाउ हु इज डैनी केसी? ही इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ फुटबॉल इन आयरलैंड. आयरलैंड की कहानी है ना ये, जहाँ कर भी है, जहाँ की भी ये कहानी है, आयरलैंड ही है ना शायद, समझ में आया. जैसे सचिन तेंदुलकर इंडिया में क्रिकेटर है, वैसे डैनी केसी आयरलैंड में फुटबॉलर है. ये बात समझ में आ गई? क्लियर. मैंने अब मेटाफर यूज़ किया है यहाँ पे. ही इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ फुटबॉल इन आयरलैंड. मैंने कौन सा लिटरी डिवाइस यूज़ किया है? मेटाफर. मैंने बोला नहीं है वो उसकी तरह है, मैंने कहा है वो है. ये इस तरह से अपने अलग अलग टॉपिक्स को दिमाग में रिफ्रेश किया करते हैं. राइट वो बोलती है कि आज मैं डैनी केसी से मिली. ये बात वो क्यों बोलती है? बिकॉज जॉफ इज अ ग्रेट फुटबॉल फैन. जॉफ बहुत बड़ा फुटबॉल फैन है डैनी केसी का. और जैसे वो चाहती है ये बात सुनकर इमीडिएटली जॉफ उसको अटेंशन देता है. वो उसको पूछता है कहाँ कैसे, तो बोलती है कि मैं मॉल के बाहर खड़ी थी, मैं मॉल विंडो को देख रही थी जब मुझे पीछे से आवाज़ आई. ही वॉन्टेड टू जस्ट अ मिनट. ओके मॉल इज़ लाइक एन आर्केड. बोलती है मैं वहाँ पे क्लोथ्स देख रही थी और मुझे वहाँ पे डैनी केसी मिला, और वो उसकी आंखें वगैरह डिस्क्राइब करती है. उसको लगता था कि जॉफ ये बात खुद तक रखेगा, पर जॉफ ने जाके ये बात अपने पापा को बोल दी. उसके फादर जानसी को सॉरी सोफी को बहुत अच्छे से जानते थे कि इसको झूठ बोलने की बहुत आदत है, और उन्होंने इस बात पे यकीन नहीं किया. राइट वो अपनी स्टोरी को इलैबोरेट करती गई कि हाँ ये भी हुआ, बट उन्होंने यकीन नहीं किया. उसने कहा कि फिर उससे पूछा क्या कि तुमने ऑटोग्राफ लिया, तो कहती है उसके पास पेन पेपर नहीं था तो मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई. तो फाइनली अब जब जॉफ को उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ, वो जॉफ को इम्प्रेस करना चाहती थी, जॉफ उसकी बातों से इम्प्रेस नहीं हुआ, तो जानसी ने एक और झूठ बोला कि अगले वीकेंड पे डैनी केसी मुझे कनाल पे मिलने आ रहा है. अब जब कोई नहीं बोला उसको क्या मैंने जानसी बोल दिया. आई एम सॉरी, वी आर टॉकिंग अबाउट सोफी. हो सकता है मेरे मुँह से जानसी निकल जाए. सोफ़ी ने एक और झूठ बोल दिया कि डैनी केसी अगले वीकेंड पे कनाल पे मेरे से मिलने आ रहा है. तो अब जब कोई इतनी बड़ी बात करेगा तो सामने वाले को यकीन हो जाएगा. उसको यकीन कहीं ना कहीं हुआ, बिकॉज़ ये बात हमें पता चलती है अगले दिन स्कूल जाते हुए जानसी सोफ़ी से पूछती है कि यू नेवर टोल्ड मी दैट यू मेट डैनी केसी. कि तुमने मुझे ना जानसी सोफ़ी से पूछती है कि तुम डैनी केसी से मिले, तुमने मुझे ये बात बताई नहीं. जो सोफ़ी की फैमिली है ना, वो पूरे के पूरे फुटबॉल फ़ैन है. वो हर वीकेंड पे फुटबॉल देखने जाते थे एक्सेप्ट फॉर दी मदर. जॉफ अलग जाके बैठ जाता था, मतलब ये शो किया जाता है जॉफ के अलग बैठने से कि वो अपने फैमिली से थोड़ा सा अब अलग पीछे हट रहा था,
वो अपने आप को उसके जो प्रिंसिपल्स थे, स्टाइल ऑफ लिविंग था, वो सोफ़ी की फैमिली से थोड़ा सा डिफरेंट होके रहता था. मे बी ही वॉज एम्बेरस्ड और मे बी ही डिड नॉट वॉन्ट टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद दैट फैमिली. ये सारे हर वीकेंड पे जाके डैनी केसी के मैचेस देखते थे, राइट. सोफ़ी, सोफ़ी का छोटा भाई और फादर एक बैठते थे, इकट्ठे बैठते थे, और जॉफ अलग बैठता था. अब जैंसी ने अगले दिन जब उससे ये बात करी तो सोफ़ी डर गई, सोफ़ी को गुस्सा आ गया. उसने कहा दिस इज़ अ जॉफ सीक्रेट, इट वॉज नॉट मेंट फॉर जैंसी. जॉफ सीक्रेट का मतलब है कि ये सिर्फ जॉफ के लिए था, जॉफ को इम्प्रेस करने के लिए था. जॉफ ने जाके ये बात जैंसी के भाई को क्यों बताई? जॉफ ने अपने फ्रेंड दैट इज जैंसी के भाई को बताई, और जैंसी के भाई ने जैंसी को बताई, और अब सोफ़ी कहती है, सोफ़ी ने जैंसी के लिए बोला प्लीज, सोफ़ी ने जैंसी के लिए बोला कि शी इज़ अ गॉसिप मॉन्गर. जैंसी जो है वो गॉसिप मॉन्गर है. आई रिपीट, ठीक है. सोफ़ी ने अब जॉफ को झूठ बोला कि डैनी केसी से मैं मिली हूँ, और उसने उसको फर्दर एम्बेलिश किया कि अगले वीकेंड को हम मिल रहे हैं, राइट. अब जॉफ ने जाके अपने फ्रेंड को ये बात बताई. वो फ्रेंड कौन था? वो जैंसी का भाई था. अब जैंसी के भाई ने ये बात जैंसी को बताई, और जैंसी ने आके सोफ़ी से पूछा कि क्या ये बात सच है. इस बात को सुन के सोफ़ी को गुस्सा आया. उसके दो रीज़न थे. फर्स्ट रीज़न, ये बात सच नहीं थी, राइट. सेकेंड रीज़न ये है कि उसको लगता था जैंसी जो है वो एक गॉसिप मॉन्गर है. गॉसिप मॉन्गर कौन होता है? जो हर बात को फैला देते हैं, राइट. अब उसको ये डर था. अब दोनों बातों को जोड़ो, अगर जैंसी एक गॉसिप मॉन्गर है तो घूम फिर के उसके पापा तक ये बात जाएगी कि वो डैनी केसी से अगले वीकेंड पे मिलने वाली है, राइट. और उसको ये भी डर था कि लोगों को पता चल जाएगा और पापा को पता चल जाएगा, देन आई विल बी इन डीप ट्रबल. मेरे लिए बहुत मुसीबत की सिचुएशन आ जाएगी, मैं कैसे सबका सामना करूँगी बिकॉज मैंने तो झूठ बोला है, राइट. बट उसको इस बात की तसल्ली हुई कि जॉफ ने सिर्फ इतना ही बताया था कि सोफ़ी डैनी केसी से मिली है, उसकी फ्यूचर मीटिंग वीकेंड पे होने वाली है, ये बात जॉफ ने शेयर नहीं की थी. समझ में आ गया आपको? तो उसको इस बात की तसल्ली थी कि मैं उससे मिलने वाली हूँ, ये बात अभी भी किसी को पता नहीं है. क्लियर हो गया? सोफ़ी की फैमिली फुटबॉल फैंस थी, ये बात क्लियर हो गया. रियल लाइफ में अब आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट. डिड सोफ़ी एक्चुअली मीट डैनी केसी? थीम आपको याद रखना है, इट इज़ ओनली एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग. सोफ़ी ने डैनी केसी को रियल लाइफ में सिर्फ फुटबॉल फील्ड पे देखा है, वो उसको रियलिटी में कभी भी नहीं मिली है. अगर आप ये लिख दोगे कि वो उसको मिली है, राइट, जो चैप्टर का एंड है, इट इज़ ओपन एंडेड. वो चैप्टर में आपको नहीं बता रहे हैं कि जो सोफ़ी सोच रही है वो गलत है, जो सोफ़ी बोल रही है वो झूठ है, बट आपको चैप्टर की थीम के साथ ये कॉम्पिटेंसी है. हर चैप्टर सिखाने के पीछे एक लेसन होता है कि बच्चों को ये लेसन सिखाना है. इस चैप्टर का लेसन है एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग, राइट, कि वो सिर्फ फैंटेसी है. अगर आप लिख देते हो चैप्टर पढ़ के कि नई सोफ़ी डैनी केसी से मिली थी, तो आपका वो आंसर गलत हो जाएगा, आपकी कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो रही है. सोफ़ी कभी भी डैनी केसी से पर्सनली नहीं मिली है, वो सिर्फ उसने उसको फुटबॉल फील्ड पे खेलते हुए ही देखा है, ठीक है. अब एक नए दिन की बात आ जाती है, वीकेंड आ गया है, राइट. और दिखाया है कि सोफ़ी ने अपने मन में इतनी बार ये झूठ को सोच लिया है, इतनी बार ये झूठ के साथ, यू नो, वो उसने इतनी बार इस झूठ को जिया है
कि अब उसको ये झूठ सच लगने लग गया और वो एक्चुअल में उस कैनाल के पास चली जाती है टू मीट डैनी केसी। अब वो कैनाल उसके हिसाब से बहुत अच्छी जगह है टू मीट डैनी केसी। एक तो वहाँ पे बहुत हलचल नहीं है, हसल बसल नहीं है, इट्स अ सेक्लूडेड एरिया, तो वो आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। ऊपर से वो जो पूरा एरिया है उसका जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ कंड्यूसिव फॉर अ गुड मीटिंग विद डैनी केसी। उसने इस झूठ को सच मान लिया है और वो एक्चुअल में डैनी केसी से मिलने कैनाल पर चली जाती है। वो वहाँ पे बैठ के एक्चुअल में सोचती है कि अभी डैनी केसी आएगा और हम मिलके ऐसी बातें करेंगे और फिर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो पूरा अपना डेट, इट्स अ डेट इन सोफीज माइंड, उसके लिए ये एक प्रॉपर डेट है कि ऐसा होगा वैसा होगा, वो सारा कुछ सोचती है। बट जैसे जैसे टाइम पास होता है, डिड डैनी केसी अराइव? वाई? सिर्फ एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन था, सिर्फ एक झूठ था जो जॉफ को इम्प्रेस करने के लिए बोला गया था, राइट? तो डैनी केसी नहीं आता है। धीरे धीरे ये रियलिटी सोफी के दिमाग में आती है कि डैनी केसी तो आने वाला नहीं है। अब उसको इस बात का डर हो जाता है कि मेरे से किसी ने पूछा कि डैनी केसी से तुम मिली थी तो क्या हुआ, कैसे हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगी। अब ये जो रियलिटी है ये सोफी के लिए इट्स अ गुड रियलिटी और अ बैड रियलिटी। वो इस रियलिटी से एक सामना करेगी कि अभी तक जो आपको सोफी के बारे में पता है वो उससे जी चुराएगी, आंखें चुराएगी। वो इस रियलिटी से भागने की कोशिश करेगी, वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे ही उसके मन में ख्याल आता है कि डैनी केसी नहीं आने वाला है तो वो दोबारा से फैंटेसाइज करना शुरू कर देती है अबाउट देयर फर्स्ट मीटिंग, राइट? और वो वापस आ रही होती है तो वो आते हुए दिखाया है कि एक बार है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे अल्कोहल वगैरह ड्रिंक होती है वहाँ पे उसके पापा का साइकिल जो है वो खड़ा है। अगेन वो उससे अपना नज़रें चुरा के, अपनी सोच चुरा के, शी कीप्स ऑन ड्रीमिंग अबाउट डैनी केसी। वो वहाँ पे साइकिल का खड़े होना क्या सिंबलाइज करता है? उसके पापा अंदर है, ये सिंबलाइज करता है कि सोफी की रियलिटी क्या है। इट इज़ फोकसिंग कि वो अपनी रियलिटी से अभी भी भाग रही है, वो अभी भी अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। दिस इज़ द एंटायर थीम। एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग, शी इज़ फैंटेसाइजिंग अबाउट डैनी केसी अ फुटबॉल स्टार। हीरो वर्शिप, शी इज़ हीरो वर्शिपिंग हर ब्रदर बिकॉज उसको लगता है कि उसका जो प्रोफेशन है उसमें वो बहुत ग्लैमरस लोगों से जी रहा है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, डैनी केसी, जॉफ का इम्पोर्टेंस, एंड थर्ड इज सोफी। सोफी का जैंसी का इम्पोर्टेंस क्या है? शी इज़ वर्किंग एज अ फॉइल, शी इज़ वर्किंग एज अ फॉइल टू द कैरेक्टर ऑफ सोफी। फॉइल टू द कैरेक्टर ऑफ सोफी मतलब पूरा सोफी का कॉन्ट्रास्ट है। अगर सोफी ड्रीमर है तो जैंसी प्रैक्टिकल है, अगर सोफी हार्डवर्क नहीं करना चाहती तो जैंसी हार्डवर्क में बिलीव करती है। बिस्किट फैक्ट्री में बहुत हार्डवर्क है, समझ में आया? ये सिर्फ ऐसे नहीं है, दिमाग का काम नहीं है, फिजिकल काम बहुत है, राइट? जैंसी बिल्कुल भी सोफी बिल्कुल भी हार्डवर्क नहीं करना चाहती, बट जैंसी को हार्डवर्क से प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? बोथ ऑफ देम बिलोंग टू अ लो मिडिल क्लास फैमिली, बोथ ऑफ देम आर 15 ईयर्स ओल्ड, बोथ ऑफ देम आर स्कूल फ्रेंड्स। सो विद दिस द चैप्टर इज ओवर। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दैट यू लाइक्ड इट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेंबर टू प्रेस द बेल आइकन for further notifications. Thank you.